स्टार्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम जी। अब स्टार्ट करते हैं। 987 इंटू 875 987 इंटू 875 है जी। जी तो क्या बात है, 987 इंटू 875 984 होता है। क्या होता है, 76100, थोड़ा और ऐड करना है, 86 3625। जी सही है। क्या बात, क्या बात। 958 इंटू 695 जी। तो 9584 7958 63 6706 6658 10 जी सही है। क्या बात, क्या बात। 856 स्क्वायर जी जी 856 स्क्वायर। हाँ तो 7327 36 जी सही है। फिफ्टी नाइन क्यूब जी ये होना चाहिए 205379 जी सही है। क्या बात, क्या बात। 23 raised to 4 जी। इसका आंसर है 279841 जी सही है। क्या बात है यार, मतलब मैं कर पा रहा हूँ। 19 raised to 6 जी, इतना लग गया। एक्चुअली ये मेरे ख्याल से 8 डिजिट का आंसर है, 8 डिजिट का है 100%। क्योंकि जैसा अगर 19 क्यूब होता है 6859 उसका स्क्वायर होता है यार, नहीं तो क्या है 130321 इंटू 361 भी होता है। तो 6859 स्क्वायर किया तो क्या होगा देखते हैं। अभी 6859 मतलब 13719 माइनस करना है, देखते हैं। अभी 98 अच्छा 9604 इंटू 49 करके देखते 4705 9600 थोड़ा कम करना है अभी। 4705 9600 माइनस 470 अंडर रूट 87 जी। तो अभी लोगों को ये बताया कि जैसे 93 स्क्वायर 8649 होता है, तो एक्चुअली 9.3 तो आता ही है 100% 9 अच्छा अगर हम लोग ने 933 स्क्वायर अगर मैंने किया तो क्या होगा 8649 87 870489 होता है। थोड़ा एक्सीड हुआ, 9.32 तो आता ही है, 9.32 कुछ आता है। मेरे ख्याल से 9. मालूम नहीं है मेरे को, 9.327 है। 7 क्या बात, क्या बात। ये भी कठिन बहुत है सर, कठिन रहता है। मतलब बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है ना मेरे को।
क्यूब रूट 91। क्यूब रूट 91 जी, क्या बात, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये अनडाउटेडली 4.5 से कम होगा क्योंकि 4.5 क्यूब 91.125 होता है, तो मतलब 4.49 आता है, 4.4 आता ही है क्यूब रूट ना, क्यूब रूट क्योंकि 4.5 क्यूब है 91.125, 4.49 के नजदीक आएगा कुछ, 4.49 into 4.49 into 4.49, एक्चुअली मेरे ख्याल से 1/3 होता है ना, 91:1/3, जैसे अगर मैंने 112 क्यूब किया तो होता है 1404928, 1120, 1123, 9 4 4 1 1 2 3 1 4 0 4 9 2 8 1 1 2, कुछ आएगा 100%, से कम है, अवश्य कम है, अगर आपने 4.5 into 4.5 into 4.5 किया तो 91.125 आता है बेशक। तो 4.5 से कम है क्योंकि आपने 91 पूछा, हो 4.49 कुछ हो सकता है, 9 1 1 2 5 0 0, ये 9 1 1, इनफैक्ट 4.49 कुछ होगा, 4.49 into 4.49 into 4.49, 91 से थोड़ा कम है, नहीं 4.4 कुछ था, 4.494 के आसपास है क्या, ऐसा कुछ था, चला गया, मैं चेक करूँ क्या इस पे, कीजिए, चीटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोला 4.494 के आसपास, 4.49 के आसपास बोला, 4.494 देखते हैं, 91 raised to 1/3, 4.497, अच्छा तो मतलब 4.5 से तो कम ही है ना, 985 divided by 12, ये आएगा 82.08333333333, मतलब 33 कंटिन्यू होता है 08333 82 point, फिर फिफ्थ रूट लेना पड़ेगा, अच्छा तो हम लोग को क्या पता है कि 1.6 raised to 5 होता है 10.48576, अच्छा 81 raised to 5 क्या होगा 3 4 8 6 7 8 4 4 0 1, बाप रे 3 4 8 6, इसको अगर 32 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या बात कर रहे हैं, 32 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 into 32 1024, 1024 नहीं कम है, अगर हम लोगों ने 1.64 लिया तो क्या होगा, 1.64 into 1.64 देखते हैं, सो 1.64 into 1.64 क्या होता है, अभी 2.6896 होता है, 2.6896, अच्छा 2.6896 into 2.6 4.4, 1.64 1.65
1.64 कुछ आएगा, 1.64 into 3.464 ऐसे कुछ, 1.64, अच्छा 1.64 into 164 into 34 करता हूँ, 4920 5.6 कुछ आता है, 6 ये बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड है। अगला डिजिट सच में पता नहीं है, लेकिन अगर गेस किया जाए तो 5.68 है, 69 नजदीक था ना, नजदीक था बहुत, ये बहुत हार्ड है ना सेट, बहुत हार्ड था ये। क्या बात है, इसका उत्तर होना चाहिए 971210। जी सही है। क्या बात यार, ट्रिपल नाइन इंटू ट्रिपल एट, क्या बात, 887112। जी सही है। सही है, सही आया, 889 स्क्वायर, 889 स्क्वायर। जी 790321। जी सही आया। या। सेवेंटी नाइन क्यूब। बाप रे, तो सॉलिड आ रहा है यार, लेकिन ये किया था यार मैंने बहुत बार, 6241 into 79, मतलब 4898 ये 493039 है, 493039 सही है क्या, 493039 है, क्या बात है यार, क्या बात, ये भी हार्ड था ना सर, हार्ड था। ये तो सॉलिड हार्ड है ना, सोचिए अगर स्क्वायर क्या, फिर स्क्वायर क्या, फिर फिफ्थ पावर क्या, फिर फिफ्थ पावर क्या, एक्चुअली क्या है ना कि 89 स्क्वायर होता है 7921 होता है, तो चार डिजिट है इसमें, तो चार डिजिट है 7921 में, 7921 में चार डिजिट है, अभी फिर स्क्वायर करेंगे तो आठ डिजिट होएगा, क्यों, क्योंकि होता है। एक्चुअली क्या है कि 15841 तो ऐड करना ही पड़ेगा कहीं, तो 792 स्क्वायर देखते हैं, अभी 792 का स्क्वायर अगर, अच्छा 9801 into 64 आ जाता है, 627264 मेरे ख्याल से, हाँ 627264000, 627264000, 627422, 627422241, ये आठ डिजिट का है, 6274, मतलब 6273839, अच्छा 391521 152, अरे क्या बात है, 9 से, मतलब 9 से अगर चालू होगा ये, 9 से कुछ होता है, 9 से चालू होके, अच्छा 6 2 7 8 डिजिट्स, 6 2 मतलब 9000 कुछ होता है, 9000 कुछ, मतलब इसमें 8 डिजिट थे, 40 minus 1 39 होता है, 39 into 5 195 का मतलब है 195 माइनस 193 डिजिट है, प्लस 192 आता है, 192 प्लस 192 आके मेरे ख्याल से 6 से चालू होता होगा या 7 से चालू होता होगा, 5 से ही होता है, लेकिन प्लस 192 आता है ना, 192 प्लस है, बस सही है, स्टार 9 से होता है, 9 से होता है, 9 से, तो
तो मतलब बहुत नजदीक है, मतलब 10 कहना सेट नजदीक है। वैसे कर लेंगे 92:86। ये भी बहुत आटा है ना, 92:86। ये तो 100% आता होगा, 92:86। अभी करते हैं 92:86 ना। 92, बाप रे, 92 8464 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, 8464, ये तो चार डिजिट का 8464। अच्छा 92 क्यूब अगर किया तो मैंने 92 क्यूब करता हूँ, 46 क्यूब होता है 97336, 778688 होता है undoubtedly, 778688, 92 क्यूब होता है, 6 डिजिट का, 778688, ये क्यूब है, क्यूब है, 8, 778688, हाँ, अभी अभी फिर स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर करना है। मतलब ये अनडाउटेडली 24 डिजिट का आएगा पावर 12, 778688 इनटू, फिर से मल्टीप्लाई करना है उसी से, मतलब अगर मैंने 78 स्क्वायर किया तो 6084 आता है, 6068 6052 6067 6066 6067 ऐसे कुछ आके 12 डिजिट का आता है, ये 12 डिजिट का आया 6066 6067। अभी 6066 6067 ही ले लेते हैं, अभी फिर स्क्वायर करेंगे तो 24 डिजिट का आएगा, 6067 करते हैं। अच्छा 607 स्क्वायर किया तो 36 8449 होता है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल होता है 36 8449, 36 7 2 36 7 8 36 7 8 36 8 36 8 और 24 डिजिट 368 368 and 24। अभी इसको 7th पावर करना है यार, बाप रे क्या कठिन है, 13 3.68 13 6900 नहीं होगा 13 5 6 13 5 6 2 4, अच्छा 13 13 2197 और 1356 1356 1356 1356 1356 आया, 1356 इसका क्यूब करना है। अच्छा 20, अच्छा मतलब 314432 8 करते हैं, 251 251 251 आता है, और थर्ड ये 27 क्यूब क्या था, 196 83 245 248 249 ऐसे कुछ आता है, 248 249। अच्छा एट नाइन से चालू होगा 368, 9 से ही चालू होगा, मतलब ये 9000 कुछ आया क्या, मतलब 368 का 24 था, उसका अगर स्क्वायर किया 48 आया, 48 आने के बाद 100
142 आया 142 165 आता है क्या? पहले तो 165 आया, 165 प्लस 4 169 प्लस 168 आता है 168 9 इनटू 8 और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 से चालू होता है 7. अरे क्या बात, ये बहुत कठिन था ना, बहुत कठिन था, सॉलिड कठिन था, शायद ये और कठिन था ना, और कठिन था ये. लेकिन कैसे भी आ गया ना, पूरा सही आया कैसे? सही आया था. अंडर रूट 99. अरे ये तो सॉलिड है. एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम लोग 9.949 को जाएगा क्योंकि 9.95 का स्क्वायर होता है 99.0025, थोड़ा मतलब 9.949 तो आया ही, 9900 2500 मतलब 9949 9.9 मेरे ख्याल से 9.9498 आता है क्या? सेट 498 क्या बात यार. क्यूब रूट 99 ये और हार्ड है ना, ये तो 100% हार्ड है. क्यूब रूट 99 अभी अच्छा अगर हम लोग ने 4.6 क्यूब होता है 97.336, 4.7 क्यूब होता है 103.823. ये कुछ 4.6 आता ही है, 4.63 आता है क्या? 4.62 आता है कुछ 6.26 ऐसे जी 6.26 आया 6.26 ये तो हार्ड है ना सर, बहुत हार्ड था. टू पॉइंट नाइन क्यूब थ्री मतलब इसका आंसर 24.389 है. 389 12:1.2 बापरे ये हार होगा, तो बहुत हार्ड है ना ये हार ये. सो 12:1.2 मतलब 12 into 5th root of 12, फिफ्थ रूट निकालना है फिर से. इसका तो फिफ्थ रूट 1.6 4 के आसपास निकला था. ये 19 पॉइंट आता है क्या सेट? 19 पॉइंट मालूम नहीं 19.68 या 19.7 ऐसे कुछ आता है. 7 7 ना 7 ये हार्ड है सेट ना, बहुत हां बहुत है. अच्छा तो अभी 896 डिवाइडेड बाय 54 अभी करते हैं तो एक्चुअली एक तरफ से ये अगर हम लोग 54 इंटू 15 क्या होता है 810 होता है, तो 54 इंटू 16.5 क्या होता है 891 होता है. 891 अच्छा 896 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाय 27 ऐसे करते हैं. 27 इंटू 16 16 पॉइंट तो आता है और फिर मतलब 16.5 250 फिर उसके बाद 9 आएगा 9 70 का मतलब है फिर 70 का मतलब फिर 2 आएगा 160 का मतलब फिर 592 आता है. ये भी हार्ड ही है ना, हार्ड है.
958 स्क्वायर जी। ये क्या होगा सेट, 91 से चालू होगा। मेरे ख्याल से 917764 जी सही है। जी सेट 98 क्यूब से 941192 जी सही है। 96:91 96:91 जी। ये भी बहुत हार्ड है सर, ये भी बहुत हार्ड है। एक्चुअली क्या है ना सेट, कि 96 क्यूब 884736 होता है। तो अच्छा हम लोग ने क्यूब निकाला, बापरे फिर क्यूब निकालना पड़ेगा क्योंकि पावर 90 लेना है और फिर 1 से मल्टीप्लाई करके 91। बापरे सॉलिड है, 884736 क्यूब अगर कर पाऊंगा तो एकदम जीनियस रामानुजन जैसे होना पड़ेगा मेरे को। 884736 तो 18 डिजिट का आंसर आएगा और रेस्ट टू 9। अच्छा तो अभी देखते हैं 88 क्यूब क्या होता है, 681472 होता है। तो 601869 ऐसे तो 18 डिजिट का आएगा रेस टू 969 ऐसे कुछ 69। अभी 18 आया, अभी स्क्वायर करेंगे तो 36 डिजिट का हो जाएगा पावर 18 4789 के बीच में आएगा 36 डिजिट का। अभी अगर 4788 रेस टू 5 करना है, बापरे अरे क्या बात है, 4 7 2 3 2 2 9 4 2 2 9 4 2 2 9 3 2 2 9 2 ऐसे कुछ 2 2 9 3 2 2 9 2 2 2 9 2 आया 2 2 9 2 5 कुछ आया 5 और 4 20। तो मतलब ये 2 2 2 3 से फिर चालू होता है, बापरे 2300 कुछ 2300 4 1024 मतलब ये अगर 36 था तो 179 डिजिट आया, 180 आके और 2 से चालू होता है, 2 4 2 4 बापरे ये तो बहुत हार्ड है सेट ना, बहुत हार्ड था। एक्चुअली अगर हम लोग ने मेरे ख्याल से 44 पॉइंट आएगा, 4.3 क्यूब तो होता है 79.507 और 4.4 क्यूब होता है 85.184 13.0 0 7 7 फिर 0 आएगा 0
फिर फोर आएगा फोर सिक्सटीन फिर टू आएगा टू वन एट्टी वन एट्टी बापरे वन एट्टी मतलब फिर टू आएगा टू थ्री एट्टी फिर फाइव आएगा फाइव टू फिफ्टी फिर मेरे ख्याल से थ्री आएगा थ्री थ्री सेवेंटी फिर उसके बाद फिर फाइव आएगा फाइव फिर उसके बाद टू आएगा फिर वन आएगा ऐसे क्योंकि सेवेंटी वन दिया था ना सेकंड जी 795 इनटू 869 795 इनटू 869 जी तो 6908 55 जैसे ये अरे क्या बात यार सेवन नाइन्टी फोर स्क्वायर जी 630436 जी सही है क्या सर सही है सॉलिड यार 88 क्यूब 681472 जी सही है सेवनटीन रेस टू फोर बाप रे 83521 जी सही है ट्वेंटी फोर रेस टू फोर जी 331776 जी सही है सॉलिड यार 16 raised to 6 बाप रे 16 raised to 6 बहुत बड़ा हो गया 16 raised to 6 ना जी 1677216 1677216 जी सही है 2 raised to 24 होता है 1677216 लेकिन ये भी हार्ड था ना सर हार्ड था 4.8 square 23.04 42 raised to 1.3 बाप रे ये होएगा सॉलिड आ रहा है ना 42 raised to 1.3 बाप रे मतलब अभी जैसे अगर 42 का रूट करना है फिर 42 का फिफ्थ रूट करना है डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है यार 42 का स्क्वायर रूट क्या होता है देखते हैं एक्चुअली 6.5 स्क्वायर होता है 42.25 से थोड़ा कम होगा 6.48 स्क्वायर होता है 41.9904 तो 6.48 स्क्वायर रूट थोड़ा ज़्यादा है 6.48 से और फिफ्थ रूट लेना है तो अभी 2 raised to 5 32 होता है 4.41 बाप रे 40.8 बाप रे सॉलिड हार्ड है यार ये तो 2.11 2.2 के बीच में आता है कुछ तो मतलब 2.1 और 2.12 के और ये क्या था 6.48 था 6.33 3.36 ऐसे आता है रेंज में आता है 3.04 to 3.06 ऐसे ये मल्टीप्लाइड बाय 42 120 और 130 के बीच में आता है 120 के बीच में 120 कुछ 127 या 128 ऐसे कुछ आता है 127 पॉइंट आता है ना नहीं 128 पॉइंट आता है 128.52 ऐसे इतना ये तो बहुत हार्ड है ना सर हां बहुत है बहुत हार्ड है ना
मैंने सोचा 2 पॉइंट, फिर मैंने अरे बाप रे 3 पॉइंट है, ऐसे गलती खुद एहसास किया। अंडर रूट 96, अंडर रूट 96, 9.79 ऐसे। क्यूब रूट 86, बाप रे क्यूब रूट 86 जी, अनडाउटेडली बिना निश्चित 4.4 तो आता ही है, 4.4 कुछ आता है जी, 4. अच्छा अभी क्या हुआ है, ये 4.41 या 4.42 ऐसे, 4.42 के आसपास आता है, 4.41 कुछ है, 100% 4.41, 4.416 है ना, 9025 का, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर में कर सकते हैं, फिर 95 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसे भी करना है लेकिन करना है। तो 95 रेस टू 4 क्या होगा, 902, 902 स्क्वायर क्या होता है, 813604 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 813604, 81450625, बाप रे 81450625, ये 9025 स्क्वायर होता है यार, मतलब 95 रेस टू 4 आ गया, 8 डिजिट का, 81450625, 81450625, 8145, फिर 16 आएगा, फिर 32 आएगा ऐसे। अच्छा हाँ ट्रेंड मिल गया, अभी 815 स्क्वायर करते हैं, 664225, 66421025 कुछ आता है, ये पावर 8 है, पावर 8 है और 16 डिजिट है, 16 डिजिट है, अभी 32 डिजिट का आएगा, हाँ 66 66 3 4 3 5 6 4 3 9 6, 439 कुछ आता है, 439 और 44 के नजदीक आता है, 32। अच्छा 193 और 64 डिजिट्स, ऐसे बात करना पड़ता है मेरे को, 193 एंड 64 डिजिट्स, 193 187 और 2 से स्टार्ट होता है, वन से ही होता है, सेवन से, लेकिन ये हार्ड है ना, बहुत हार्ड था, सॉलिड हार्ड है यार, बाप रे। नाइन एटी नाइन इनटू एटी नाइन जी, 89,000 माइनस 979, 88021 जी सही है, 596 स्क्वायर, हाँ 355216 जी सही है, 456 क्यूब, 456 क्यूब ना जी, ये तो बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड हो गया मुझे, मेरे क्या लगता है कि अभी 57 क्यूब मुझे पता है,
185 ऐसे कर सकते हैं। अच्छा 185 193 करते हैं, करना ही पड़ेगा यार। अच्छा अभी करते हैं वन, एक ट्रिक पता चल गया 185। अच्छा 185, अच्छा 7680 अगर माइनस 102400 माइनस करता हूँ 102400 947 absolutely 94720 9567 1816 185 लेकिन 16 में एंड होता है 100% 16 में एंड होता है। ये क्या है ना 185 193 होता है, इसको मैंने 512 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 185 185 है, फिर 4096 ऐड करना है इससे। 185 इनटू 512 क्या होगा? अच्छा 185 10 2400 माइनस 7680 94720 9567 1853 × 8 456 cube मालूम है, सवाल ही है 456 क्यूब ना, 456 185 193 × 512 आंसर है 100% बोलता हूँ 9481 8816 क्योंकि 100% वही स्टेप था, मतलब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया फिर 64 किया, उस समय मैं डायरेक्टली 512 से मल्टीप्लाई किया। अंडर रूट 74 8.6 आता है जी, ये 73.96 8.6 स्क्वायर है, तो ये 7396 मेरे ख्याल से 8.602 भी आता है जी, फिर 4 आता है शायद, 4 नहीं 5 आता है, 3 आता है, अभी क्यूब रूट 76 सॉलिड, क्यूब रूट 76 अब सेट ये क्या है कि 4 क्यूब 64 4.2 क्यूब होता है 74.088 4.23 या 4.24 ऐसे कुछ आता है 849 divided by 62 जी, तो ये मेरे ख्याल से 13 पॉइंट आता है
13 पॉइंट आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 6 580, फिर उसके बाद 9 आएगा, 9 220, फिर 3 आएगा, 3 340, मतलब फिर उसके बाद 5 आएगा, 5 530 का मतलब फिर 4 आएगा, 4 52 520, फिर 8 आएगा, 8 24 240, फिर 3 आएगा, 3 54 540, फिर उसके बाद फिर 8 आएगा, 8 440 का मतलब फिर 7 आएगा, 7 इसमें इतना ही है, फिर 0 आएगा, फिर 9 आएगा बचे। करना यार फिर 339 क्यूब अभी करते हैं तो 339 क्यूब का क्या होगा, सबसे पहले 340 क्यूब कर दो, 3930400, थोड़ा माइनस करना है, 8 डिजिट का आता है, 115600, 115260, 115260, 3 4 5 7 8 1 219 में एंड होता है, 346 माइनस कर रहे हैं, 3930438958219 जी सही है, क्या बात है यार, सही आया क्या सर, सही आया। कैलेंडर भी कर सकते हैं ना थोड़े देर में, करेंगे तो 86:89 अरे बाप रे, 86:89 जी, ये भी हार्ड ही है सेट ना, हार्ड है, हार्ड है लेकिन पॉसिबल होना चाहिए। 86 स्क्वायर होता है 7396 होता है, तो 7396 होता है। अच्छा अलग अप्रोच से भी कर सकते हैं, 7396 बाप रे, 5 4 7 6 0 0 0 0 माइनस 5 4 7 0 5 4 7 0 1 ऐसे कुछ आता है, ये 8 डिजिट का है, 5 4 7 0 547 स्क्वायर क्या होता है, अच्छा 3 0 2 5 0 0 9 2 9 9 2 9 9 2 0 9 2 9 9 2 0 2 9 9 2 0 1 9 9 2 0 1 16 डिजिट का आता है बाप रे, 16 का आता है, 7396 ये 2 9 9 2 0 1 ये पावर 8 था, 2 9 9 2 0 1 सो 7956 6 3 6 0 5 6 6 3 6 0 5 6 6 30 6 into 3 करता हूँ तो 11 का हो जाएगा, 11 16 और
6:22 हो जाता है, 636 × 3 1908 1908 अरे यार सॉलिड पावर 11 आ गया 1908 364 तक आ जाता है, 364 कुछ आता है, 364 मतलब ये 43 डिजिट्स का है, फिर 86 आएगा, फिर 171 आएगा, 170 मेरे ख्याल से प्लस 172 आता है, 172 प्लस 172 आता है, लेकिन किससे चालू होता है मेरा, मैं कोशिश करता हूँ, बोल सकते हो जी, 133 177 अच्छा 364 1 से तो चालू होता है one four है सॉलिड आठ है ना ये आवाज का शायद सबसे ज्यादा आज ही किया ना से आज ही किया है लेकिन उस दिन का सॉलिड था ना मतलब डेसिमल पावर सब था ना उस दिन था अरे क्या बात है मेरे ख्याल से ट्यूसडे 19 Jan ना 19 Jan 47732 ना 47732 47732 माइनस करते करते 47732 476 अच्छा 47600 132 532 932 1332 1332 1732 बाप रे 2132 में पहुंच गया 2132 21 December 6457764 जी क्या बात है 21 December 21 December जी 1764 2016 में तो फिर बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ 21 December 2016 अच्छा
फ्राइडे फ्राइडे क्या बात है यार। सिक्स जून 7422568 क्या बात है। सिक्स जून 7422568 जी ये भी सॉलिड आर्टिस्ट है ना। में क्या था मेरे ख्याल से वेडनेसडे था। वेडनेसडे था तो ट्यूजडे मंडे मंडे क्या बात यार। नाइन अक्टूबर जी 9876543 में आता हूँ। 2143 में आया। हाँ 2143 2015 में फ्राइडे था तो 2003 में थर्सडे था मतलब इसका आंसर वेडनेसडे हो सकता है। वेडनेसडे वेडनेसडे है ना। वेडनेसडे है क्या बात है। 17 अगस्त 2015 में तो मेरे ख्याल से मंडे था। 15 में मंडे था। 2000 में क्या होगा। 2000 में अच्छा 4 लीप ईयर है 8 लीप ईयर है 12 लीप ईयर है 3 18 मंडे थर्सडे और फ्राइडे आंसर है। फ्राइडे अरे क्या बात यार सॉलिड आर्ट था यार ये तो। लास्ट करेंगे 27 जुलाई जी जुलाई 9988 66 9988 66 52 9988 66 52 जी 27 जुलाई 27 जुलाई 9988 66 52 जी बिल्कुल 6652 2652 2252 2252 मतलब फिर 2000 में जाता हूँ। 2000 में जाता हूँ मतलब 27 2000 तो वो जो 14 जुलाई को पैदा हुआ था मंडे था वो पलू 1997 में 27 जुलाई संडे था। संडे था तो ये थर्सडे यहाँ पे आएगा। थर्सडे आएगा और थर्सडे माइनस करना है अभी ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे थैंक यू।